आपके मन में ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा कि जब भारत सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, फिर क्यों नहीं सरकार बहुत सारे नोट छापकर देश की गरीबी दूर कर देती है? क्यों नहीं नोटों को छापकर उन गरीबों को दे देती है जो लोग भुखमरी का शिकार हैं? साथ ही भारत में तकरीबन 10 से 12 हजार किसान हर साल गरीबी और खेती में होने वाले नुकसान के कारण सुसाइड कर लेते हैं, तो सरकार क्यों नहीं नोटों को छापकर उन गरीबों और उन किसानों को दे देती है और हर साल लगभग हजारों लाखों जानों को बचा लेती है जिनकी मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ पैसा और गरीबी होती है, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार के ऐसे कदम न उठाने के पीछे क्या मजबूरी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। हमें इस सवाल का जवाब जानने से पहले कुछ चीजों को पहले समझना होगा और थोड़ा मनन करना होगा। आज से तकरीबन 4000 साल पहले मुद्रा यानी नोटों का प्रचलन नहीं था। तब उस समय लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं की अदला बदली करते थे। जैसे एक व्यक्ति के पास एक बोरी चावल है और दूसरे व्यक्ति के पास एक बोरी टमाटर है। अब पहले व्यक्ति को यदि टमाटर की जरूरत है और दूसरे व्यक्ति को चावल की जरूरत है, तो दोनों लोग आपस में वस्तुओं को एक समान मूल्य का मानकर आपस में बदल लेते थे और अपना काम चलाते थे, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। पर दोनों व्यक्तियों के बीच जो डील हुआ था, क्या ये बराबरी का डील था? आप खुद इस बारे में विचार करिए कि जिस व्यक्ति के पास चावल था, उस व्यक्ति ने जितनी मेहनत और समय लगाकर उसे उगाया होगा, उससे तो कम ही मेहनत और समय से उस दूसरे व्यक्ति ने टमाटर को उगाया होगा। तो फिर एक बोरी चावल और एक बोरी टमाटर का मूल्य एक समान कैसे हो सकता है? या फिर हम ऐसे सोचें कि पहले व्यक्ति को टमाटर चाहिए पर दूसरे व्यक्ति को चावल नहीं चाहिए, तब उस समय उन्हें अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सब विषमताओं को देखते हुए मुद्रा यानी नोटों का प्रचलन शुरू किया गया और हर वस्तुओं का उसका उचित मूल्य निर्धारित किया गया, जिससे लोग इन नोटों का उपयोग करके किसी भी वस्तु का लेन देन उचित मूल्य पर आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर होती है कि नोटों का प्रचलन वस्तुओं को आसानी से खरीदने के लिए हुआ है, पर इन नोटों की वैल्यू तभी तक है जब तक इनके बदले किसी चीज को खरीदा जा सके। कुछ उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने आप सभी को बहुत सारे नोट छापकर दे दिए। अब आपके पूरे गांव में सभी के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। जब आप सभी के पास इतना पैसा आ गया हो, तब आप सबकी जरूरतें और डिमांड भी बढ़ जाएगी। जैसे पहले जब आपके पास पैसे नहीं थे, तब आप टमाटर का केवल सब्जी बनाने के लिए उपयोग करते थे, पर जब आपके पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे, तब आप अधिक से अधिक टमाटर खरीदेंगे। अब आप उस टमाटर का सब्जी के साथ साथ चटनी भी बनाएंगे। पर पूरे गांव में टमाटर का पैदावार उतना ही है जितना पहले हुआ करता था, यानी टमाटर का स्टॉक पहले की तरह लिमिटेड है। आपने पहले जाकर बाजार के सारे टमाटर खरीद लिए क्योंकि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। अब बाकी के गाँव वालों के पास भी बहुत सारे पैसे हैं, पर उन्हें जिस चीज की जरूरत थी, अब वो मार्केट से खत्म हो चुका है। तो फिर सभी के पास इतने सारे पैसे होने का क्या फायदा जब उसके बदले उन्हें सामान मिल ही नहीं रहा? तो इस तरह से सारे नोट यूजलेस हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में रुपए का डिवैल्यूएशन हो जाएगा। इसीलिए सभी देशों की अर्थव्यवस्था की ये नीति होती है कि देश में जितना संसाधन और जितना गुड्स उपलब्ध है, सरकार उतने ही नोट छाप सकती है। यदि सरकार देश के संसाधनों से अधिक नोट छाप दे, तो रुपए के डीवैल्यूएशन के साथ साथ बहुत सारे दुष्प्रभाव देश पर पड़ेंगे और इन दुष्प्रभावों में सबसे अहम है महंगाई। संसाधनों से अधिक नोट छापने पर महंगाई पर कैसे असर पड़ेगा, इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव में सिर्फ दो लोग रहते हैं। उन दोनों को सरकार ने 2-2 हजार रुपए छाप कर दे दिए हैं। अब वो दोनों गांव के मिठाई के दुकान पर 2-2 किलो काजू बर्फी खरीदने पहुंचते हैं, पर मिठाई की दुकान पर मात्र 2 केजी काजू बर्फी ही उपलब्ध है, जिसकी कीमत 1000 रुपए प्रति किलो है, और मिठाई की दुकान पर काजू बर्फी की डिमांड 4 केजी हो गई है। अब दुकानदार लालच में आकर कि उसे 4 केजी मिठाई के 4000 रुपए मिल सकते थे, तब उस मिठाई की डिमांड को देखते हुए दुकानदार तुरंत ही मिठाई का दाम बढ़ा देगा। जहां पहले वो मिठाई 1000 रुपए प्रति किलो मिलती थी,
अब उसका रेट बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति किलो कर देगा। तो देखा आपने, पैसे अधिक आ जाने से कैसे डिमांड बढ़ी और अधिक डिमांड के कारण महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई, जो किसी भी देश की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारे देश में महंगाई बढ़े। चलिए थोड़ा और समझते हैं। अब आप फिर से मान लीजिए कि सरकार ने सभी को बहुत सारे नोट छापकर दे दिए। अब आपको रहने के लिए एक पक्का मकान चाहिए और मकान को बनाने के लिए मजदूर और मिस्त्री की जरूरत है। पर जब सभी के पास सरकार ने इतने पैसे दे रखे हैं, तो भला कोई मजदूर या मिस्त्री आपके यहाँ मजदूरी करने क्यों आएगा? वो क्यों आपके लिए मकान बनाएगा? कोई सब्जी वाला अपनी सब्जियाँ क्यों बेचेगा? और कोई किसान अनाज क्यों उगाएगा? अगर उगाएगा भी तो उसे बेचेगा क्यों, जबकि आपने किसान को अनाज के बदले पैसे ही देने हैं जो कि उसके पास ऑलरेडी है। तो भला मजदूर और किसान आपके लिए अब काम क्यों करेंगे? और यदि फिर भी कोई मजदूर आपके लिए काम करता है और कोई किसान आपके लिए अनाज उगाता है, तो वो पहले से बहुत अधिक पैसे लेगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत पैसा है। ऐसे तो देश में कच्चे माल से लेकर पक्के माल तक बहुत महंगे हो जाएंगे और देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नोट छापकर गरीबी दूर करना एक बहुत ही बैड आइडिया है। हमने अब तक आपको इतनी सिचुएशंस बताई, ये सब केवल इमेजिनरी नहीं है बल्कि रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ हो चुका है। जी हाँ, एक बार जिम्बाब्वे की सरकार ने अपने देश का कर्ज चुकाने के लिए सन 2008 तक दिन रात नोटों को छापता रहा। बाद में नतीजा ये सामने आया कि वहाँ की महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक मामूली सा ब्रेड और अंडा खरीदने के लिए लोगों को एक एक बोरी नोट लेकर जाना पड़ता था। वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। अधिक नोट प्रिंट करने से वहाँ नोटों की संख्या तो बढ़ी पर उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी, क्योंकि जहाँ एक ब्रेड खरीदने के लिए 100-200 डॉलर देने होते थे, अब उसी ब्रेड को खरीदने के लिए लाखों डॉलर देना पड़ रहा था। खैर, अब तो वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, पर जिम्बाब्वे की हालत देखकर बाकी के देश नोट छापने वाली गलती तो कभी भूलकर भी नहीं करेंगे। इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था की यही नीति होती है कि जितना संसाधन देश में उपलब्ध है उतना ही करेंसी छापा जाए, क्योंकि केवल नोट छापने से देश में उपस्थित संसाधन और गुड्स थोड़ी ही बढ़ जाएगी। यदि हमें अधिक नोट छापने ही हैं और अपने देश की करेंसी को मजबूत बनाना है, तो इसके साथ साथ हमें गुड्स और संसाधनों को भी बढ़ाना होगा। इसीलिए भारत सरकार ये बार बार कहती है कि अपने देश की बनाई स्वदेशी चीजों को ही अधिक से अधिक खरीदें और उसका उपयोग करें, ताकि देश में गुड्स का प्रोडक्शन बढ़े और हमारे पास भरपूर संसाधन भी हो। इससे हमारी भारतीय मुद्रा भी मजबूत होगी। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आपको एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। एक US डॉलर बराबर कितने भारतीय रुपए होंगे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।